दोस्तों कहानी शुरू करू तेना पहला वीडियो लाइक करीने चैनल सब्सक्राइब करजो। मधुभाई पोताना वेलफर्निश आधुनिक फ्लेटनी बालकनी माथी रोड उपरनी अवर जवर निरखी रहा हता। लोकोना चेहरा उपरनी खुशी साथे साथे कारमा के स्कूटर उपर सफर करता खुश खुशाल कपल ने बालकों ने जोई तेनी खुशी नो पान करी रहा हता। मधुभाई नी दिक्री कैनेडा अने दिक्रो अमेरिका मा स्थाई थया हता। मधुभाई आजे एकाकी जीवन जीवता हता। भाईओनो कुटुंब सगा संबंधियो हता पर ए बधा पोताना जीवन व्यवहार मा व्यस्त हता। जरूर पड़े आवता पण संपूर्ण समय कोई आपी शके तेम दहोता। मधुभाई घणी वखत आमज बालकनी मा बेसता क्यारेक क्यारेक अतीत मा खोवाई जता। आजे पण अतीत मा आंटो मारवा निकली गया। मधुभाई ना पिताश्री अनुभाई खाधे पीधे सुखी हता। जोग पण सारी हती। संतान मा मधुभाई एकज हता। मधुभाई अभ्यास मा सारा हता। तेमने आगळ अभ्यास करी विदेश मा स्थायी थवानी इच्छा हती। अनुभाई आ बाबते अजाण हता। एमनी इच्छा तो मधु अही सारी जॉब ले अने देश नु ऋण चुकवे तेवी हती। पिताजी मारे आगळ अभ्यास माटे विदेश अमेरिका जवू छे अने त्यां स्थायी थवू छे। बेटा तारी कुशलता थी तने इंडिया मा पण सारा मा सारी जॉब मळी जशे। आपणे क्या लांबी जंजाळ छे। वळी अमारा संतान मा तू एकज छो। अमे एकला अने ओशियारा थई जईशू। मारी इच्छा छे के तू अमारी साथे इंडिया मा रहे। अमारा बुढ़ापानो आधार छे। तू संतानी साची जरूर बुढ़ापामा पड़े छे। सारू पिताजी तमारी इच्छा मारे शिरोमान्य छे। अने मधुभाईए सारी जॉब लई इंडिया मा ज रह्या। क्यारेक विदेश ना जई शक्या तेनो अफसोस थतो पण पिताजी माताजी साथे रहेवा मळ्यु तेनो संतोष पण हतो। मधुभाई ने एक दीकरो अने एक दीकरी हता। दीकरी ने विदेश नो कैनेडा मा रहता अने ज्ञाती नाज दिकरानू मांगू आवता। दिकरी ने कैनेडा परणावी दीधी अने उंडे उंडे पोते विदेश न गया पर दिकरी विदेशवासी थई तेनो संतोष लीधो। मधुभाई ना दिकराए पर अमेरिका जवानी अने त्या स्थायी थवानी वात करी। मधुभाई ने पोते विदेश न जई शक्या ए वसवसो हतो पण साथे पिताजी ना शब्दो पण याद हता के बुढ़ाप मा तू ज सहारो छे। मधुभाईए आ वात तेना दीकरा अनूप ने करी। पिताजी हूँ तमारू पूरतू ध्यान राखीश अने आवतो पण रहीश बा। तू पिताजी ने समझावने अंते पत्नी नी समझावट थी मधुभाईए अनूप ने अमेरिका जवानी हा पाड़ी। शरू शरू मा अनूप वारंवार आवतो सतत संपर्क मा रहतो। मधुभाई ने थयु के सारू थयु हूँ नहीं तो अनूप तो विदेश गयो। मधुभाई ने पहलो झटको त्यारे लाग्यो के अनूप नो फोन आव्यो के पिताजी मने अही मारी पसंदगी नी छोकरी मळी गई छे अने आवता अठवाडिये सादाई थी लग्न करवाना छीए। तमने बोलावत पण समय थोड़ो छे एटले तमे त्यांथी अमने आशीर्वाद आपजो। पछी समय मळे इंडिया आवी जईशू। ए पछी अनूप इंडिया तो न आव्यो पण संपर्क पण ओछा थता गया। दीकरी तो पार के घर हती एटले अनुकूलता ए हालहवाल पूछी लेती मधुभाईना। पत्नी पण आ बधु सहन करवानी शक्ति खोई बैठा हता। तेमनी तबियत बगड़ती चाली। मधुभाईए अनूप ने जाण करी पप्पा हूँ तो हमणा नहीं आवी शकू पण अहीं थी तमने सारा मा सारा डॉक्टर नी सेवा मळे एवी व्यवस्था करू छू। तमे पैसा नी चिंता न करता। मधुभाईए फरी फोन करी कह्यू बेटा अमारे पैसा नहीं पण तारी जरूर छे। तारी मम्मी ने एक वार मळी जा पण अनूप ना मेळाप नी वात अधूरी रही। मधुभाईए फोन कर्यो बेटा तारी मम्मी सदाने माटे चाली गई छे। तू जल्दी आव पप्पा आ परदेश छे। हूँ मारा काम अधूरा छोड़ी ने न आवी शकू। त्यानी जेवू नथी। हाँ बेटा तारी वात साची छे। त्या अहीनी जेवू संबंधोनु बंधन नथी। जेनी गोद मा तू उछरी ने मोटो थयो एना माटे तारी पासे अही आववानो समय पर नथी।
પણ જેની સાથે અમારે ફક્ત આંખનો સંબંધ, બોલવા ચાલવાનો સંબંધ છે, એ લોકોથી ઘર ભર્યું છે. તારી બહેન પણ સમય અને સંજોગોના લીધે પહોંચવાની નથી. સારું બેટા, સુખી રહો. પણ આજે મને તારા દાદાજીના શબ્દો યાદ આવે છે, તે સાચા હતા. તે કહેતા કે વિદેશમાં બાળકોને મોકલો તો સમજી જજો કે તમે એકલા જ છો, એકલા જ રહેશો. રસ્તા ઉપરના કોલાહલથી મધુભાઈ વર્તમાનમાં આવી ગયા કે આ રસ્તા ઉપરના લોકો જ મારો પરિવાર અને જીવન જીવવાની જીવાદોરી છે. પૈસાથી બધું ખરીદી શકાય એ વાત ખોટી છે. પૈસાથી દરેક પ્રકારની સેવા ખરીદી શકાય, પણ પોતાપણું, સ્વજનપણું કે જૈવિક સંબંધો ખરીદી શકાતા નથી. એ તો લોહીના સંબંધોથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, મળે છે. દોસ્તો, કહાની કેવી લાગી કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો અને વિડીયો લાઈક કરીને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો.